कोरोना लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गया है। देश भर में कोविड से मौतों में वृद्धि के बाद लोगों में डर सा बैठ गया है। एक बार जब उनकी रिपोर्ट सकारात्मक आ जाती है तो लोग घबरा जाते हैं और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि कर्नाटक के मैसूरू में एक संयुक्त परिवार ने कोरोना के खिलाफ जीत हासिल की है, जो कई रोगियों के लिए प्रेरणा बन गया है। 17 सदस्यों वाला ये संयुक्त परिवार कोविड की चपेट में आ गया था। हालांकि आत्मविश्वास के कारण सभी सदस्य इस वायरस को हराने में सफल हो गए। उनका आत्मविश्वास तालुक के अन्य कोविड रोगियों के लिए आदर्श बन गया है। जब परिवार के सभी सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया तो पहले तो वे चिंतित थे। हालांकि आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण ने उन्हें स्थिति पर काबू पाने में मदद की है। बड़गलपुर किसान संघ के अध्यक्ष नागेंद्र के भाई लिंगोराज गौड़ा और उनका परिवार 24 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आया। सभी सदस्य संक्रमण से ठीक हो गए हैं और अब उनकी कोरोना रिपोर्ट नकारात्मक आई है। हम सभी संक्रमण से ठीक हो गए हैं, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। परिवार के सभी सदस्यों ने 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। मैं सभी कोविड रोगियों को संदेश देना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए और पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर बहादुर बनना चाहिए। केवल एक चीज है कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। अब हम सभी 17 सदस्य अच्छा कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों ने बड़गलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अलीम पाशा को सूचना दी। उन्होंने उन्हें प्रत्येक कमरे में खुद को अलग करने की सलाह दी और उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने अपना साझा सामान अलग रखा है। सभी 17 सदस्यों के पूर्ण अलगाव ने उन्हें घातक वायरस पर जीत हासिल करने में मदद की। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हम घबरा गए। पहले मेरे चाचा पॉजिटिव हो गए, फिर हम सभी ने स्वाब परीक्षण किया। हालांकि जल्द परीक्षण ने हमें बहुत मदद की। हम सभी घर के अलग अलग कमरों में हो गए, अपने बर्तन खुद साफ किए, सामान भी अलग कर लिया। इसने हमें ठीक होने में मदद की। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी आवश्यक सूचनाओं के साथ तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसके बाद वे उन्हें दवा देने लगे और नियमित रूप से उनके पास गए। ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ 17 ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು। परिवार के सभी 17 सदस्य जांच में कोरोना संक्रमित आए, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। हमने उन्हें सलाह दी कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नियमित रूप से सलाह का पालन शुरू कर दिया। अब सभी ठीक हैं और संक्रमण से उबर चुके हैं। इस पारिवारिक घटना ने ये साबित कर दिया है कि आत्मविश्वास से उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जीत को संभव बनाया है। कोरोना संक्रमित होने पर चिंतित होना या घबराना नहीं चाहिए। हमें तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए और दवाओं के साथ साथ आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जैसा कि इन सदस्यों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।